ओके गाइस, मैंने अब यहाँ पे एक और सवाल लिख लिया है। 1.1 के पहले सवाल का एक पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है इसका। हम इसको सॉल्व करेंगे और सवाल की स्टेटमेंट वही रहेगी हमारे पास कि हमें इस सवाल को सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी लेफ्ट साइड को, राइट साइड को, क्योंकि राइट साइड पे तो सिर्फ वन है तो इसको सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लेफ्ट साइड है जिसको सिम्प्लीफाई होने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ जो है वो माइनस हो रही है और रैशनल फॉर्म में है। रैशनल फॉर्म में होने का मतलब है कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लेंगे इसका एलसीएम। अब आप क्योंकि 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनका एलसीएम ऐसे लेते हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसका एलसीएम लेना भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप आम वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू है। हम पहले इसे एक्स प्लस फोर से करेंगे, इट बिकम वन, और ये एक्स नीचे आ जाएगा। फिर इसे एक्स से करेंगे और ये आ जाएगा वन। आप लोग को पता है कि हम जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे मौजूद जो वैल्यूज़ होती है उनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एलसीएम का आंसर होता है। यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम इसको बकायदा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, एक्स और एक्स प्लस फोर। यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स हैं वो हमारे पास इन दो वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन को शो कर रही है। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ वैल्यूज़ को ब्रैकेट से ही शो कर सकते हैं। अब हमें पता है कि सिंपल रूल क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना होता है। तो हम देख लेते हैं इस वैल्यू को एक्स और एक्स प्लस फोर। अब क्योंकि एलसीएम के रूल के अकॉर्डिंग इसे नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना है एक्स प्लस फोर से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स प्लस फोर कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स। ये इस आंसर को हमें ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस थ्री। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ मल्टीप्लिकेशन साइन लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग एक ब्रैकेट यूज़ करते थे विच इज़ अ प्रॉपर साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये माइनस आ जाएगा दरमियान में, देन ये वैल्यू डिवाइड होगी एक्स से, एक्स एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स। जब ये वैल्यू एक्स से डिवाइड होगी तो एक्स और एक्स आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या, एक्स प्लस फोर, यानी कि ये एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई होगा इस एक्स माइनस फाइव से। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस फाइव, और ये वन अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम तो ले लिया, अब हमें करना है इसको सिम्प्लीफाई। तो सिम्प्लीफाई करने के लिए पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम एक्स स्क्वायर, और एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम थ्री एक्स। इस माइनस के साइन को बाहर रहने देते हैं। माइनस के साइन को यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप ब्रैकेट यूज़ करें। हमने अक्सर देखा है कि माइनस के साइन की प्रोसेस में काफ़ी मिस्टेक हो जाती है, तो सबसे बेहतर तरीका इसके लिए यही है कि आप लोगों के वैल्यू के बाहर जब भी एक माइनस का साइन हो तो आप ब्रैकेट यूज़ करें। ब्रैकेट हमेशा आप लोगों को गलती से बचाती है। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स जब माइनस फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम माइनस फाइव एक्स। प्लस फोर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो फोर एक्स, और प्लस फाइव जब इससे होगा तो माइनस ट्वेंटी ओवर। और वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि अब हमें सिंप्लीफाई ही करना है इसको। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स फोर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फोर एक्स। इस इक्वल वन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जवा नहीं है तो ये हमारे पास इक्वल वन एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब हम जानते हैं कि जब भी किसी वैल्यू के बाहर माइनस का साइन होता है तो उस ब्रैकेट के अंदर की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो हम साइन चेंज करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस का, इस माइनस फाइव के साथ माइनस फाइव, और ये माइनस बन जाएगा प्लस फाइव एक्स। इस प्लस फोर को बना देंगे माइनस फोर एक्स, और ये माइनस ट्वेंटी हमारे पास बन जाएगा प्लस ट्वेंटी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, और राइट साइड का वन अपनी जगह पे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो ये हमारे पास है प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि प्लस माइनस वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाती है। इनके कैंसिल होने की वजह क्या है कि ये प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को क्या बना देते हैं, जीरो। अब हम देखते हैं एक्स वाली वैल्यूज़ कौन सी है। तो हमारे पास एक्स वाली वैल्यू है थ्री एक्स, फाइव एक्स और फोर एक्स। तो पहले हम पहली दो वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो थ्री प्लस फाइव एट, तो ये हमारे पास आ गया प्लस एट एक्स। प्लस माइनस माइनस, एट माइनस फोर फोर, तो ये हमारे पास आ गया फोर एक्स। माइनस प्लस ट्वेंटी जो है वो एक सिंगल वैल्यू, तो हम इसको लिख देते हैं प्लस ट्वेंटी इक्वल टू वन, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब आपको पता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सिंपल फॉर्म है वो ये है। इसके नीचे कोई ओवर का साइन नहीं है, और राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, जीरो। तो जो हमारी पर्सन में ओवर की फॉर्म है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप जानते हैं कि अगर ओवर की फॉर्म को सिंपल करना हो तो आपको उसे राइट हैंड साइड पर या दूसरी साइड पर ला के मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बिकम फोर एक्स प्लस ट्वेंटी,
और ये हमारा 4x जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट बिकम 4x प्लस 20, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही रहेगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू आ गई है और राइट हैंड साइड पे भी वैल्यू आ गई, लेकिन क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जीरो होना चाहिए तो हम अपनी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप राइट हैंड साइड पे ही जीरो करें और लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ लेकर जाएं, आप लेफ्ट वाली वैल्यूज़ को भी राइट साइड पे लेकर जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका आपको यही मिलेगा कि आप एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रहने दें, यानी कि उसको नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी वैल्यूज़ को नेगेटिव बना लें। तो मैं लेफ्ट वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पर लेकर जाऊँगी तो लेफ्ट तरफ क्या रह जाएगा, ज़ीरो। ये एक्स स्क्वायर और प्लस 4x जो ऑलरेडी राइट साइड पर था ये अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ से जब ये 4x इधर आएगा तो इट बिकम माइनस 4x और प्लस 20 इधर आगे क्या बन जाएगा, माइनस 20। अब हम देखेंगे यहाँ पे ज़ीरो आ गया, इट बिकम एक्स स्क्वायर अगेन प्लस 4x माइनस 4x, ये ज़ीरो बन जाएंगे तो कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 20। और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि इसी फॉर्म को बिल्कुल मैच नहीं कर रही, लेकिन ये मैच कर रही है इस फॉर्म को, इस फॉर्म को, यानी कि वैसी फॉर्म जिसमें बी क्या है, ज़ीरो है। ये हमें कैसे पता चला, बी हमारे पास वो टर्म थी जो एक्स के साथ थी। यहाँ पे जो हमारा आंसर है उसमें एक्स स्क्वायर तो आया है और एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी आई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बी वाली वैल्यू नहीं आई जिसके साथ एक्स होता है। इसका मतलब है, एक तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है, लेकिन ये किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास 1.1 के दो सवाल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हमें दो सवाल सॉल्व किए और हमें डिटरमाइन किया है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह आपने 1.1 के जो है पहले सवाल के बाकी पार्ट्स करने हैं। अगर आपको किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। और बाकी के अगले सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।